नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, वक्सी स्टूडियो के एक और वीडियो के साथ मैं हूं वक्सी और आप देख रहे हैं वक्सी स्टूडियो। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा सीवीसी वॉलेट के मुतालिक, आप इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये वॉलेट किस मकसद के लिए यूज़ होता है, आपके लिए कितना बेनिफिट रहेगा इसको अगर आप यूज़ करते हैं, तो इसके कौन से फीचर हैं और जितने में ये परचेज होगा, सारा कुछ इस वीडियो में आपको लाइव वीडियो प्रूफ दिखाऊँगा। दोस्तों, सीवीसी वॉलेट के मतलब आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ, ये एक वर्चुअल विश कार्ड होता है, जैसे कि UBL HBL का कार्ड है, ठीक है। सेम इसी तरह ये एक इंटरनेशनल वेबसाइट का कार्ड है, जिसको यूज़ करके आप जो भी आपकी कंपेन है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इन तमाम एप्लीकेशन पे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके थ्रू ऐड ऑन कर सकते हैं, कोई चीज़ परचेज कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो इसको अभी आप कैसे बना सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं, इसका मुकम्मल तरीके से वीडियो आपको बताऊंगा। दोस्तों, तो अभी हम गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन है हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहाँ पर हम लिखते हैं सी वी सी, ठीक है। सी वी सी लॉगिन हम लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों, CVC LOG। दोस्तों, सी वी सी जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर नीचे मैं आपको दोबारा यहाँ पर थोड़ा सा और टाइप कर CVC लॉगिन, ठीक है, CVC लॉगिन। यहाँ पर एक सेकंड दोस्तों, मैं दोबारा यहाँ पर आपको ठीक है। दोस्तों, हमने CVC वॉलेट यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है, इसको हम अभी लॉगिन करते हैं, तो हम सर्च करते हैं ऐसे में। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आप चेक करें, दोस्तों यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन है सबसे ऊपर, ठीक है, ये वाला जिस पर भी मैंने क्लिक किया है, इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है, लॉगिन। जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह इंटरफेस जो होता है। दोस्तों, यहाँ पर हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है, न्यू टू CVC वॉलेट, क्रिएट अकाउंट पे हम क्लिक करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ, आपने ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है अकाउंट का, इसको आपने बहुत केयरफुली कर लिया, इसमें अगर मिस्टेक होगी तो उस ईमेल पे आपका ये अकाउंट नहीं बन सकेगा, जैसे कि मुझसे मिस्टेक हुई थी। यूज़र नेम आपने यहाँ पर मैंशन करना है, ईमेल करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, लैंग्वेज, पासवर्ड, री पासवर्ड, और यहाँ पर I am not reborn, I accept term and condition, इस पर आपने क्लिक करना है। अभी इस सबको फिल करते हैं, उसके बाद मैं फिर रजिस्टर करके आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, आप इसे चेक कर सकते हैं, यूज़र नेम, ईमेल, फर्स्ट, लास्ट, लैंग्वेज, सारा कुछ मेंशन कर चुका हूँ, और इस स्टेप पे क्लिक करता हूँ और रजिस्टर्ड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है दोस्तों। जी तो दोस्तों, जैसे मैंने रजिस्टर्ड पे क्लिक किया, यहाँ पर आप अपना पासवर्ड सेव कर लें, I am not removed, दोबारा क्लिक करें और इसको हम सेव करते हैं, ठीक है, और लॉगिन करते हैं। थैंक्स फॉर रजिस्टर्ड, अभी हमारा अकाउंट रजिस्टर्ड हो चुका है।